हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग वर्क निपट चुका है, क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछाई है समर सीज़न वाली, और जो विंटर सीज़न की थी वो मैंने धुल दी है क्योंकि वो संभालनी है अब। और यहाँ पे बैठक रूम की भी सफाई हो गई है, पोछा मारा था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे अब बना लेते हैं दिन का लंच। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए भी मिले नाश्ते के, मैंने नाश्ते के बर्तन नहीं धुले थे तो मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा निपटा देती हूँ, उसके बाद बर्तन फिर आराम से धुलेंगे। क्योंकि किचन का वर्क ऐसा होता है ना जो हाथों हाथ मतलब निपट जाता है, लेकिन कपड़े धुलना और झाड़ू पोछा करना इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले मैंने कहा यही निपटा देते हैं। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और नाश्ता भी कर लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे जो भी बर्तन है, ये सब्जी वगैरह मैंने बाउल में रख दी थी। और यहाँ पे मेरी बेटी है, ये आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि इसको बुखार आ रहा है, तो इसलिए ये घर पे ही थी। तो मैं यहाँ पे बर्तन धुल देती हूँ जो नाश्ते के बर्तन हैं, साथ में ही चाय भी बन रही है। जब तक बर्तन धुलते हैं तब तक चाय भी बन जाएगी। अब यहाँ पे चाय बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड। तो चाय निकाल देते हैं गिलास में। और यहाँ पे दूध आ रखा था तो मैंने दूध गर्म नहीं किया था, तो उसे गर्म करने के लिए रख दूँगी। और ये दूध की पतीली धुलने के लिए थी तो मैंने कहा इसमें चाय डाल देते हैं, क्योंकि इसमें मलाई थी ना लगी हुई, तो मैंने कहा दूध के साथ तो चाय के साथ ये भी मिक्स हो जाएगी। तो चाय ना मलाई के साथ और भी टेस्टी होती है, मलाई चाय। और ये जो फ्राई पैन था इसको मैं धुल दूँगी, उसके बाद हम पी लेते हैं चाय और साथ में कर लेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बर्तन थे वो तो मैंने टोकरी में रख दिए हैं, जो बड़े बर्तन हैं वो नीचे टब में रख दिए हैं। और यहाँ पे जो किचन काउंटर टॉप है, यहाँ पे पानी गिर गया था तो उसको मैं वाइपर की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। और जो छोटे बर्तन सूखे हुए थे, गिलास वगैरह, उनको मैं ऊपर टोकरी में लगा देती हूँ। तो हम यहाँ पर चाय तैयार हैं, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद मिलते हैं आपसे लंच बनाते टाइम। यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था तो मैंने बच्चों के लिए पपीता लिया था, पपीता वाला आ रखा था तो मैंने उससे पपीता लिया क्योंकि मेरे बच्चों को पपीता बहुत पसंद है ना। तो इसको मैं काट रही थी, छोटा ही था पपीता, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसको छील लेते हैं अच्छे से, काट के बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं। और यहाँ पर मैंने ये छोटी वाली बेटी भी आ गई स्कूल से, देखिए बाल्टी के ऊपर चढ़ी हुई है। तो इसको ना ऑरेंज पसंद है तो इसने अपने लिए ऑरेंज लिया था, और उसके लिए बड़ी वाली के लिए मैंने पपीता लिया था। तो दोनों के अलग अलग फ्रूट्स हैं और मैंने दोनों मिक्स करके खाए थे, पपीता भी और ऑरेंज भी, ये दोनों का एक एक फ्रूट्स। तो यहाँ पे बच्चों को दे देते पपीता। ये क्या खा रहे हो दोनों? संतरा। मैं पपीता। एक को पपीता पसंद है, एक को संतरा पसंद है। खाओ फिर, तब हम लंच बनाते हैं तुम्हारे लिए। तो दिन के लंच में मैं बना रही फ्रेंड्स ये वाली दाल, और यहाँ पे प्याज टमाटर कट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते फ्रेंड्स लंच, और बच्चे खा रहे हैं पपीता। तो यहाँ पे ये लंच में मैं बना रही हूँ राजमा की दाल और चावल। तो राजमा की दाल मैंने कल ज़्यादा उबाल ली थी, वही बचाई हुई थी, तो उसी को छौंक रही हूँ। और भात भी बन गया है, बच्चों ने पपीता भी खा लिया, अब उन्हें चाहिए लंच। तो फटाफट से लंच खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह भी धुलने हैं अभी, तो बर्तन भी धुल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लंच हो चुका है फ्रेंड, बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं, तो किचन हो गई क्लीन। और अब आपसे मिलते हैं सीधा शाम को इवनिंग टाइम पे। और यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं इसलिए। तो ये है फ्रेंड शाम की क्लिप, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेड। तो मेरे पास टोस्टर है जिसमें ब्रेड आसानी से गर्म हो जाता है, और ये सिवानसी है यहाँ पे, तो इसको सबसे ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि ये अभी डांस क्लास से आई है, तो नाच के ना डांस करके भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेड। तो यहाँ पे ब्रेड के साथ मैं इसमें लगाऊंगी चॉकलेटी बटर है, तो इसको
लगाऊंगी ब्रेड में, क्योंकि ये यही खाते हैं शाम के टाइम पे जब डांस क्लास से आते हैं। तो जैसे जैसे बनेगा मैं इनको देते जाऊंगी फटाफट से। बच्चों को मैंने दे दिया फ्रेंड ब्रेड एंड बटर, और यहाँ पे ना मेरे लिए कपड़े हैं, ये मैं अभी छत से लाई हूँ। तो कुछ तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, कुछ फ़ोल्ड करने हैं बेडशीट वगैरह, उसके बाद उन्हें संभालने हैं। और यहाँ पे मेरा सूट भी बन के आ चुका है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाने के लिए दिया था टेलर के पास। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो ये फ्रेंड्स दोनों सूट, एक पिंक कलर का था ये लाइट पिंक कलर का, और एक ये ग्रीन कलर का था। तो ये दोनों बन के आ चुके हैं, और ये है कपड़े, इनको फोल्ड करना है। तो कुछ मैंने फोल्ड कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स कपड़े फोल्ड, बच्चों की स्कूल ड्रेस थी। और तो अब चलते किचन की तरफ। तो यहाँ पे डिनर में मैंने काटी फ्रेंड लौकी की सब्जी, और इसको अच्छे से धुल देते हैं। और मैंने चाय बनाई थोड़ा, तो अब चाय पी लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे आराम से डिनर। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।